साथियों थोड़ा पास रहिएगा। साथियों, आज हमने रक्षा सूत्र बांधा है नीम के पेड़ पर। ये जुड़वा पेड़ है, देखिए इस पर बांधा हुआ है। और हमने पेड़ से गले मिलकर हमने ये जाहिर किया है कि पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और इन पेड़ों की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि पेड़ हमसे कुछ लेते नहीं, देते बहुत कुछ हैं। यहाँ तक कि हमारी जो सांसें हैं वो भी उन्हीं पर निर्भर है। ये पेड़ दिन भर में इतनी ऑक्सीजन देता है कि चार लोग इससे उनकी सांसें चलती हैं। तो आज हम आपको एक बात ये बताना चाहते हैं कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई जी, जो हमारी वीरांगना थी, बुंदेलखंड की शान है, उनका शौर्य दिवस है 18 जून को। 18 जून के दिन ही वो शहीद हुई थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए झांसी को बचाने के लिए। तो 18 जून को हमने उनके शौर्य दिवस को इस बार बुंदेलखंड के जंगल बचाओ दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के जंगलों को बचाने के लिए इस बार प्रयास किया जाए, जिस तरह से झांसी की रानी ने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। आज हमको पेड़ों को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो बक्सवाहा जंगल है छतरपुर ज़िले में, उस उधर हीरे की खदान निकल आई है और सरकार ने उस हीरों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, पेड़ पौधों को नहीं, ऑक्सीजन को नहीं। जो हमें देते हैं वो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हैं, लेकिन सरकार ने हीरों के लिए 2.5 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने दे दी है, केंद्र सरकार में पेंडिंग पड़ा है। हमें उस जंगल को बचाना है, तो हमें उस जंगल को बचाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। 18 तारीख को हमारी विनती ये है कि सभी लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधें और उनसे आलिंगन, उनसे गले मिलें और उनको ये सांत्वना दें, ढाढ़स बधाएँ कि वो अकेले नहीं हैं, उनका जीवन खतरे में नहीं है, हम उनके साथ हैं। और इसके अलावा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन जंगलों को बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।